इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेहटा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई खबर है, उनकी बात करने हम लौटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आप जानते हैं, चुनाव परिणाम से पहले काफ़ी सुर्खियों में आ गए क्योंकि उन्होंने खून खराबे की धमकी दे दी थी और कहा था कि EVM के जरिए अगर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश होती है तो हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान पर उनकी काफ़ी फजीहत हुई, उनकी मुश्किलें भी बढ़ी। तो उपेंद्र कुशवाहा दोनों सीटें हार गए। महागठबंधन का बिहार में सुपड़ा साफ हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा सरीखे जो अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो भी अपनी सीटें तक नहीं बचा सके। खासकर उपेंद्र कुशवाहा तो दो जगहों से चुनाव हारे। उजियारपुर से वे BJP के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के हाथों हार गए और काराकाट से JDU उम्मीदवार महाबली सिंह के हाथों हार गए। यही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कभी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, वो NDA का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब NDA का हिस्सा हुआ करते थे तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुआ करते थे, और जब NDA का हिस्सा नहीं रहे उपेंद्र कुशवाहा तब उनका हमला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और आक्रामक हो गया था। तो चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को JDU ने सलाह दी है। JDU ने क्या सलाह दी है आप सुन लीजिए। लेकिन पहले हम ये पूछ लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा RLSP के अध्यक्ष रहे, काफ़ी मुखर रहे नीतीश कुमार के खिलाफ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लगातार उनके खिलाफ हमलावर रहे। तब भी हमलावर रहे जब वो NDA का हिस्सा हुआ करते थे और तब भी हमलावर रहे जब वो NDA में नहीं थे। दोनों जगहों से हार गए, उनकी हार को किस तरीके से देखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए JDU को क्या सलाह होगी, JDU की क्या सलाह होगी? देखिए, उनकी इस प्रचंड हार ही उनको सीख मिल गई है और वो हम सलाह क्या देंगे, हम सलाह देंगे कि अपने आत्ममंथन करें, कहाँ उनकी चूक हुई, क्या हुई, वो आत्ममंथन करें, बस ये हमारी सलाह। तो बिहार में करारी शिकस्त के बाद, अपनी दोनों सीटें हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को JDU सलाह दे रही है। JDU प्रवक्ता सुनील कुमार का हमने बयान सुनवा दिया है, वे क्या सलाह दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, हमने आपको सुनवा दिया है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस हार के बाद बड़ी चुनौती है अपना कुनबा बचाने की, क्योंकि चुनाव से पहले ही उनका कुनबा बिखरता रहा है। उनकी पार्टी के कई नेता न सिर्फ रालोसपा छोड़कर गए हैं बल्कि उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। टिकट बेचने का आरोप लगाया है नागमणि सरीखे, उनके नेता, उनकी पार्टी के पूर्व नेता तो उनका राजनीतिक श्राद्ध करने पर भी आमादा हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिलहाल मुश्किलें बढ़ी हुई है और इस भारी राजनीतिक नुकसान से वापसी करना उनके लिए वाकई बड़ी चुनौती होगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।